हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग आए हुए हैं पटना, और पटना से हम लोग लगभग 80 किलोमीटर दूर आ चुके हैं हाजीपुर। और हाजीपुर में हम लोग आज आए हुए हैं राजा ब्लॉग्स, यानी राजा ब्लॉग जो भैया ब्लॉग बनाते हैं उनके गांव में। और आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे, ढेर सारी उनसे बातें होंगी, तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा जो भी अपडेट है आपसे छूटे ना। और उनका गाँव कुछ इस तरीके का है, हम आपको दिखा सकते हैं। यही राजा भैया का गाँव है, और कितना खूबसूरत गाँव। और वो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, वो जो ताड़ का पेड़ है यही पे उनका घर है। और यहाँ इधर देख सकते हैं, इधर चल रहा है निखिल, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है हम लोगों को। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का उनका घर है। तो राजा ब्लॉग्स भैया घर कुछ इस तरीके का है, और यही रोड आ रही है उनके घर के लिए, देख सकते हैं उनके ब्लॉग्स में। और ये देखते होंगे, और ये पेड़ भी उनका दिखता होगा अक्सर। तो चलिए उनको आवाज़ देते हैं, राजा ब्लॉग्स भैया को बुलाते हैं, और कुछ इसी टाइप का उनका घर है, देख सकते हैं। चलिए चलते हैं मेन दरवाज़ा खटखटाने के लिए उनका। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, राजा भाई हमारे साथ बैठे हैं सामने, और बहुत बहुत भैया बैठिए, भैया बहुत अच्छे इंसान है। और देख सकते हैं कुछ इस तरीके का भैया ने अपना घर डेकोरेट कर रखा है, जहाँ पर कोई भी क्रिएटर उनसे मिलने के लिए आता है, या कोई भी आता है उनसे मिलने के लिए। तो देखे कितना अच्छा लग रहा। और ये भैया की कोई पिक्स है, देख सकते हैं किसी ने पेंसिल आर्ट बनाया है, देख सकते हैं। तो कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसे ही भैया सामने से भी लग रहा है। आज हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि हमने भाई को सामने दिया। अभी आंटी आ रही हैं, आंटी से भी मिलेंगे, और छोटी बहन हमारी जो है सुहानी, उनसे भी मिलेंगे। बस भैया भैया का थोड़ा सपोर्ट होता रहेगा तो बहुत कुछ होगा। तो गाय जैसा आप लोग देख सकते हैं, अभी राजा भैया ने हमारे नाश्ता मंगाए हैं, और बैठे देखिए कितने शर्मा रहे हैं कैमरे के सामने। आज तो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हमारी छोटी बहन सुहानी ये लेके आई हैं, देख सकते हैं। निखिल निखिल भी बैठे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है भैया घर पे आके, काफी अच्छा लग रहा है हम लोगों को। तो गाइस जैसे देख सकते हैं, भैया ने नाश्ता पानी सब कुछ करा दिया है हमें, और भैया काफी अच्छे हैं। तो सर आप ये बताते, आपने जब ये यूट्यूब कब शुरू करा था? सर यूट्यूब तो बहुत पहले है भाई, ये समझे ना कि 2012 के आसपास में ही स्टार्ट। इतना पहले? हाँ, जावा का फोन चलता था, उस टाइम ही हम शुरू कर दिए थे कि कुछ करना है। वीडियो 5 रुपया का आता था, 25 MB, 6-7 MB का वीवा वीडियो वगैरह चलता था, एंड्रॉयड आया था फीचर करके, वो सब वीडियो वगैरह। या फिर वीवा वीडियो तो बाद में आया था, उससे पहले जैसे बगल से दूसरे फोन से गाना बजाते थे, और कैमरा में ऑन करके उससे रिकॉर्ड हो रहा है, वैसे अपना डांस वर्क करते थे, एक्टिंग करते थे। तो आप देख सकते हैं भैया गांव से बिलोंग करते हैं, और इतना गांव में सर आप जानते हैं, गांव से जल्दी कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है, घर वाले भी नहीं करते, जैसे मेरे पापा नहीं करते, आज भी नहीं करते। पर भैया का बहुत ही अच्छा है कि भैया बहुत ग्रो है, भैया के 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं यूट्यूब पे, और भैया का टिकटॉक पे भी, और टिकटॉक पे भैया बहुत वायरल थे, मैंने इनको टिकटॉक पे देखा था, तब से मैं इन्हें फॉलो कर रहा हूँ, फिर भैया यूट्यूब पे आए। तो सर आज आपको उस टाइम की जिंदगी और आज की दिन जिंदगी फर्क थोड़ा सा बताइए सर। सर बहुत ज़्यादा, बहुत डिफरेंट है, पहले से ज़्यादा रिलैक्स हूँ, अच्छा जिंदगी जी रहा हूँ। जी जी, और फैमिली के साथ भी, फैमिली को केयर भी कर रहा हूँ, ये मेरे लिए और क्या चाहिए। देखो एक लड़का के लिए ना 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में और फैमिली को देख रहा है, वही बहुत बड़ी बात होता है। क्योंकि देखो बड़ा बुरा लगता था, पापा फैक्ट्री में काम करते थे, हम भी जाते थे, तो एक टाइम में सोचा करते थे कि दिन कब बदलेंगे हमारे। क्योंकि कभी कभी पापा बोलते थे कि देखो बेटा यही जीवन है हम लोगों का, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में हो जाते थे कि शायद कहीं चेंज ना हो हमारी लाइफ, तो कैसे क्या होगा। लेकिन हमने चेंज करा, यूट्यूब पे काम किया, यूट्यूब ने हमें जो भी चीज़ दिया, लाइफ को अच्छा सिक्योर बनाया, पेमेंट दिया, जिससे हमारा घर परिवार चला। अभी घर पे अगर 2 दिन पापा रहते भी हैं तो बड़ा अच्छा लगता है हम लोग को, एक साथ मस्ती मजाक भी करते हैं, खेलते भी हैं, क्योंकि हर किसी को अपना अपना परिवार चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जब दीदी शादी की, रागनी दीदी की, तो आपको इमोशनल थे सर, तो उनकी कमी खलती है सर आज? अरे बहुत बहुत खलती है, हम तो अभी भी रो देते हैं बहन के लिए, क्योंकि सच बताएं तो हमारी 6 सिस्टर थी, और सबसे ज्यादा सेवा मेहनत तो वही की हमारे, देख रेख, भैया का कपड़ा लगता, कहीं जा रहे भैया ये चीज खा लो, भैया ये चीज खा लो। अभी सुहानी है तो उसकी कमी वो पूरी करती है। सर आप अकेले हैं घर में? हाँ अकेले हैं। तो जैसा देख सकते हैं, अकेला लड़का कहाँ का, एक लड़का जिसे कोई नहीं जानता था, आज एक स्टार है हमारे लोगों के लिए, स्टार है, और इनसे मिलना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम इनसे मिले हैं। तो बस भैया थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए आप थोड़ा बोल दीजिए। ऑडियंस के लिए ही बोलेंगे, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इनको तो हमने प्रमोट भी करा है उन्हें यूट्यूब चैनल पे। जी जी, और आगे बढ़ाइए, दबा के सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे बढ़ाते रहिए, मेहनत करते रहिए, फैमिली के साथ में कुछ अच्छा कंटेंट देते रहिए, ताकि घर परिवार को लेकर के, देखो क्या होता है ना कि यूट्यूबर्स के लिए टेंशन होता है कि पापा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मम्मी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जी जी, कैसे क्या होगा। बट हिम्मत नहीं हारना है आपको उसी चीज को लेकर के, शायद आपके पापा मम्मी की वजह से ही आपका जीवन में कुछ अच्छा लिखा हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखो पूरा दुनिया हमने घूम लिया था, जी जी, वायरल तो सब मिलियन मिलियन गए, लेकिन घर पे ही आगे
स्वर्ग मिला जो कि मेरा नाम बना जी, है ना। तो आपसे भी उम्मीद है आगे बढ़े। तो ठीक है, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। और भैया ने कहा तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। एक हमारे